वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्णकालीन बजट पेश किया। नए दशक का पहला बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा, जीएसटी को बनाने वाले आज हमारे साथ नहीं है। मैं अरुण जेटली जी को श्रद्धांजलि देते हुए देश के लोगों की सेवा के लिए हमारी सरकार के एक देश एक टैक्स कानून लागू करने का फैसला किया। जीएसटी का कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है और हाल ही में इसने 1,00,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी पार किया। टैक्स स्लैब को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। टैक्स पेयर्स को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अब 5 से 7.5 लाख रुपए की कमाई तक 10% टैक्स देना होगा और 7.5 से 10 लाख रुपए कमाई करने तक 15% टैक्स देना होगा। 10 से 12.5 लाख रुपए की कमाई तक 20% टैक्स देना होगा। 12.5 से 15 लाख रुपए तक की कमाई तक 25% टैक्स देना होगा। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि सरकार LIC में अपने हिस्से को बेचेगी। वित्त मंत्री के इस ऐलान के साथ ही विपक्ष की ओर से हंगामा किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि 2020-21 के लिए GDP का अनुमान 10% का है। इस वित्तीय वर्ष में खर्च का अनुमान 26,00,000 करोड़ रुपए का है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि 2022 में भारत G20 सम्मेलन का आयोजन करेगा। इसके लिए सरकार की ओर से 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सरकार की ओर से लद्दाख के लिए 5,958 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के लिए 30,757 करोड़ का बजट ऐलान किया गया। अपने दूसरे बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने को लेकर प्रतिबद्ध है। किसानों के लिए नए बाजार को खोलने की जरूरत है ताकि उनकी आय को बढ़ाया जाए। किसानों के लिए वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में 16 सूत्री योजना का ऐलान किया। साथ ही किसानों के लिए किसान ट्रेन और कृषि उड़ान चलाई जाएगी। सीतारमण ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाओं को काफी समर्थन मिली। इस योजना के जरिए बाल अनुपात में बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। 10 करोड़ परिवारों के न्यूट्रिशन की जानकारी दी जाएगी। 6,00,000 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिया गया। महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाई गई थी, अब हमारी सरकार लड़कियों के मां बनने की उम्र को लेकर भी चर्चाएं कर रही है। एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा जो 6 महीने में इस मुद्दे पर रिपोर्ट तैयार करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य सेक्टर को 59,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में अब तक आयुष्मान भारत योजना नहीं पहुंची है वहां तक इसे पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता होगी। मेडिकल डिवाइसेस से मिलने वाले टैक्स को ऐसे जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। बजट में रेलवे के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे की कमाई बहुत कम है, इसलिए सौर ऊर्जा तैयार करने के लिए रेलवे की जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा। देश में तेजस जैसी और ट्रेनें चलाई जाएंगी। तेजस ट्रेनों के जरिए पर्यटन स्थलों से जोड़ा जाएगा। 550 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। देश भर में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को खत्म कर दिया गया है। बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में वर्ष 2024 तक 100 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने देश में 5 नई स्मार्ट सिटी बनाने का भी ऐलान किया। यह नई स्मार्ट सिटी PPP मॉडल के आधार पर बनाई जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि देश में सुरक्षा का मुद्दा सबसे अहम है। पीएम मोदी की अगुवाई में हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त रही है। अपने भाषण में टैक्स पेयर्स के लिए वित्त मंत्री ने कहा कि देश में टैक्स के नाम पर उगाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टैक्स पेयर्स के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए। कंपनी अधिनियम के संशोधन किया जाएगा। नॉन गैजेट पोस्ट के लिए कॉमन टैक्स करवाया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का प्रस्ताव रखा जाएगा। निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कश्मीरी में एक कविता पढ़ी, साथ ही उसका हिंदी अनुवाद भी किया। कविता के हिंदी अनुवाद में उन्होंने कहा, हमारा वतन लिखते हुए शालीमार बाग जैसा, हमारा वतन डल झील के खिलते हुए कमल जैसा, नौजवानों के गर्म खून जैसा, मेरा वतन तेरा वतन हमारा वतन दुनिया का सबसे प्यारा वतन। गुलजार शालीमार क्यों सोन वतन
भूषण कुमार हूं। न्योन वतन, च्योन वतन, सोन वतन, नुंदबोनी वतन। आई विल रीड दिस इन हिंदी नॉट एज अ पोएम बट फॉर द मीनिंग। हमारा वतन खिलते हुए शालीमार बाग जैसे, हमारा वतन खिलते हुए शालीमार बाग जैसे, हमारा वतन डल लेक में खिलते हुए कमल जैसा, नौजवानों के गरम खून जैसा, नौजवानों के गरम खून जैसा। मेरा वतन, तेरा वतन, हमारा वतन, दुनिया का सबसे प्यारा वतन। सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे शाहीनबाग के लोगों से बात करने के लिए मोदी सरकार तैयार है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपने एक ट्वीट में इस बात के संकेत दिए। रविशंकर प्रसाद का कहना है कि सरकार लोगों से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन एक व्यवस्थित तरीके से। दिल्ली के शाहीनबाग में पिछले करीब 50 दिन से नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है, जो दिल्ली के चुनाव में बड़ा मसला बन गया है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने फेसबुक पर उत्तराखंड की नौकरशाही पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री का पद संभालते हुए उन्हें लगा था कि उनका एक आदेश विशाल पत्थर को भी हिला सकता है, लेकिन 6 साल बाद वह समझ चुके हैं कि मुख्यमंत्री पहाड़ हिला सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड के अधिकारी को नहीं हिला सकते। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने जनसंख्या कानून सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार रहे। उत्तराखंड में सीधी भर्ती के आरक्षण के रोस्टर में किए गए बदलाव के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रोस्टर नीति के संभावित परीक्षण को लेकर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक की अध्यक्षता में उप समिति का गठन किया है, जिससे आरक्षण के रोस्टर पर दोबारा से चर्चा की जाएगी। राज्य मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि चर्चा से ही आरक्षण के रोस्टर का विवाद सुलझेगा और इस मामले का समाधान निकाला जाएगा। यूपी में किसानों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश में आज से किसान आसान किस्त योजना लागू हो गई है। इस योजना के तहत किसान किस्तों में ट्यूबवेल के बकाया बिल का भुगतान कर सकेंगे। किसान 6 किस्तों में जमा करा सकेंगे अपना बकाया बिल। 31 जनवरी 2020 तक का ब्याज माफ होगा। न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों वाले किसान भी इस योजना के तहत लाभ उठा सकेंगे। गंगा यात्रा का समापन कर वापस लखनऊ जाते समय पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी लखनऊ कानपुर हाईवे स्थित चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। मंत्री के पहुंचने से अधिकारी और कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। पर्यटन मंत्री ने पक्षी विहार झील का सघन निरीक्षण करके साथ ही हिरण के रहन सहन के बारे में कर्मचारियों से बात कर बेहतर इंतजाम करने के निर्देश दिए। बैंकों के हड़ताल का आज दूसरा दिन है। ऐसे में कल मेरठ कैंट स्थित इलाहाबाद बैंक के सामने जिले के 300 बैंक शाखाओं के कर्मचारी एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में उन्होंने पेंशन अपडेशन समेत कई मुद्दों पर अपनी मांग जाहिर की है। कानपुर में पकड़े गए पीएफआई सदस्यों के इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी जालिस अंसारी उर्फ डॉक्टर बम से कनेक्शन की छानबीन की जा रही है। पकड़े गए सदस्यों से एटीएस और आईबी के अफसरों ने पूछताछ की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्टेट बैंक में करोड़ों के घोटाले का मामला सामने आया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि बैंक मैनेजर और फील्ड ऑफिसर ने आपसी मिलीभगत से बैंक में करोड़ों रुपए का गबन किया। फिलहाल इस मामले में आरोपी बैंक कर्मियों को मामला दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। इसके साथ ही दोनों बैंक कर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है।
मऊ जिले में सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमण को खाली कराने का सिलसिला जारी है। मऊ के वी मार्ट पेरिस प्लाजा को पुलिस ने सील कर दिया है। सील करने की कार्रवाई के लिए खुद सिटी मजिस्ट्रेट जेएन सुचान कोतवाली पुलिस के साथ में मौके पर पहुंचे थे। मुरादाबाद में खाद्य विभाग के अधिकारियों का फल मंडी के आढ़तियों से हजार हजार रुपए सुविधा शुल्क लेने के आरोप लगे हैं। फल मंडी में लगभग 100 आढ़तियों से यह पैसा लिया गया है। खाद्य विभाग के अधिकारी वीरेश पाल पर यह पैसा लेने का आरोप लगा है। यूपी के शाहजहांपुर में मंडी की अलॉट दुकानें तोड़वाए जाने से नाराज गल्ला व्यापारी जिला प्रशासन और मंडी सचिव के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। अपनी दुकानें बचाने के लिए व्यापारी मांगे न मानने पर मंडी कार्यालय के सामने मिट्टी का तेल छिड़ककर आत्मदाह करने का ऐलान कर रहे हैं। वहीं मंडी प्रशासन पूरे मामले में अतिक्रमण हटाने की बात कर रहा है। एएमयू के पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष सज्जन सुभार राथर का बुर्का पहनकर महिलाओं को उकसाने का फोटो वायरल हुआ है। राथर का ईदगाह के बाहर नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन पर बैठी महिलाओं को भड़काने का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यहां के दिल्ली गेट पर महिलाएं सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। संभल के सरकारी स्कूल में पढ़ाई के समय छात्र छात्राओं से मजदूरों वाला काम कराया जा रहा है। छात्र ईंटें ढो रहे हैं, फावड़े से खुदाई कर रहे हैं, वहीं मासूम लड़कियों से सूढ़ी चावल बनवाए जा रहे हैं। लड़कियां चावल ढो रही हैं। संभल के एक सरकारी स्कूल की ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। शामली के एक पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। हादसे में 3 महिला समेत 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में फैक्ट्री मालिक भी शामिल है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे प्रशासन ने राहत और बचाव का काम शुरू किया। फैक्ट्री में काम चल रहा था, उसी दौरान धमाके होने लगे। फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे लोग जब तक कुछ समझ पाते, इससे पहले ही एक के बाद एक ब्लास्ट होने लगे। ब्लास्ट के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। रायबरेली के लालगंज पुलिस ने अवैध रूप से गोदाम में रखे पटाखों को पकड़ा, जिसके बाद लोन नदी किनारे ले जाकर उसे विस्फोट किया गया। पटाखों की आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया। पूरा मामला जानने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। लखीमपुर खीरी में जिले में गोला गोकर्णनाथ एसबीआई शाखा में एक बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। आरोप के मुताबिक बैंक कर्मियों ने ही 2 करोड़ से ज्यादा की रकम का गोलमाल कर दिया। व्यापारियों ने ऋण खातों में गड़बड़ी कर धोखे से रकम निकाल ली गई। ऑडिट में घोटाला सामने आने पर शाखा प्रबंधक और फील्ड ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में सप्ताह भर पहले हुए डबल मर्डर के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पटवाई थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते ही गांव में 2 दोस्तों की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी और शव कुएं में डाल दिए गए थे। घटनाक्रम में 4 को नामजद किया गया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। कन्नौज में युवती ने युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक और मानसिक शोषण करने का आरोप लगाया है। युवती ने युवक का तिलक रुकवाने की शिकायत लेकर पुलिस थाने पहुंची और मामले की कार्रवाई करने की अपील की। पूरा मामला प्रेम प्रसंग का दिखाई दे रहा है। जालौन में बीजेपी नेता का एक शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर भाजपा सभापति ने एक नाबालिग लड़की के साथ जबरन दुष्कर्म किया। पीड़ित के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। रायबरेली के भदोकर थाना क्षेत्र में लखनऊ इलाहाबाद हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। 2 ट्रक आमने सामने से टकरा गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रकों के ड्राइवर ट्रक में ही फंस गए। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दोनों ट्रकों के ड्राइवर और कंडक्टर को बाहर निकाला, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ड्राइवर और कंडक्टर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। अलीगढ़ में कुएं की मोटर ठीक करने के लिए कुएं के अंदर उतरा किसान के ऊपर दीवार गिर गई। किसान को निकालने के लिए 26 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
कौशाम्बी में एक अज्ञात युवक की नहर में डूब के मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। फतेहपुर थाना क्षेत्र में 5 की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया है। मां समेत 4 बेटियों ने जहर खाकर जान देने का मामला सामने आया है। पति से घरेलू विवाद के बाद मां ने अपनी 4 बेटियों के साथ जहर खा कर जान दे दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सीतापुर शहर कोतवाली के मुंशीगंज चौराहे के पास ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी है। इस हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पति गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के मुताबिक दंपत्ति नौमिशराए से सीतापुर जा रहे थे, उसी दौरान यह हादसा हुआ है। ग्रेटर नोएडा में हाईवे पर 2 टूरिस्ट बसों में भिड़ंत हो गई जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। ये बसें आगरा से नोएडा जा रही थी। हादसा यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ। घायलों से 5 महिलाएं भी शामिल हैं। मुरादाबाद में एक बाइक में आग लग गई। खड़ी बाइक में आग कैसे लगी इसका पता अभी नहीं लगाया जा सका है। भीषण आग लगने के बाद बाइक जलकर राख हो गई। यूपी के शाहजहांपुर के थाना चौक कोतवाली में प्राइवेट नर्सिंग होम की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया जहां बच्ची की टांग टूटने पर उसका 3 महीने में 3 बार ऑपरेशन किया गया है जिससे बच्ची की मौत हो गई। बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने जमकर अस्पताल में जाकर हंगामा किया। सूचना पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कानपुर देहात जिले में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला जब 2 बहनें चीखती चिल्लाती हुई अस्पताल में लाई गई। 2 सगी बहनों की तबीयत चने के साग के पराठे खाने के बाद अचानक बिगड़ गई। डॉक्टरों का अनुमान है कि दोनों बहनों ने किसी जहरीले पदार्थ का सेवन किया है। गोंडा में मनचलों की हरकतों से तंग आकर एक 20 साल की युवती ने आत्महत्या कर ली। युवती की लाश पेड़ से लटकी मिली जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। मृतक के पिता ने थाने में 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। 3 आरोपी गांव के ही रहने वाले हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नंदप्रयाग के पास चट्टान टूटने का मामला सामने आया है। इलाके में रह रहे 4 परिवारों के घर खाली कराए गए। हालांकि चट्टान की चपेट में एक ऑल्टो कार आ गई है। चमोली में बर्फबारी के चलते कई सारे रास्ते बंद होने के कारण मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें बंद होने के चलते जहां एक तरफ भारी जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है वहीं यातायात भी ठप पड़ा है। पर अभी तक प्रशासन द्वारा इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया है। कोरोना वायरस ने भारत में भी दस्तक दे दी है। एयरपोर्ट से लेकर हॉस्पिटल अलर्ट है। इसके बावजूद वायरस का प्रसार बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। लखनऊ में भी एक संदिग्ध महिला मरीज मिली है। उसका सैंपल जांच के लिए पुणे भेजा गया है। महिला को डॉक्टरों की लगातार निगरानी में रखा गया है। लखनऊ में 25 जनवरी को चीन से 3 यात्री आए थे। सभी के थर्मल स्कैनर से जांच की गई। चीन में कोरोना वायरस के चलते अलर्ट जारी होने के बाद राजधानी बीजिंग में MBBS की पढ़ाई कर रहा सहारनपुर के सरसावा थाना क्षेत्र का युवक घर वापस लौट आया है। चीन के वाया श्रीलंका होते हुए हिंदुस्तान आने पर उसकी 3 जगह मेडिकल जांच हुई है। छात्र ने यहां लौटने पर आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग की टीम सरवासा में छात्र के घर पहुंच गई। कोरोना वायरस की दहशत के बीच चीन के वुहान में फंसे भारतीय लोगों को लेकर एयर इंडिया का विमान भारत पहुंचा। चीन से लाए गए सभी 324 लोगों को ITPB के छलवा कैंप में ले जाया गया जहां 14 दिन तक सभी को सबसे अलग मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। व्हाट्सएप मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के CEO पावेल डुरोव का कहना है कि व्हाट्सएप खतरनाक ऐप है और इसकी बजाय आपको टेलीग्राम उपयोग करना चाहिए। डुरोव ने यह सलाह लोकप्रिय शॉपिंग साइट अमेज़न के CEO जेफ बेजोस को दी है और उनके टेलीग्राम उपयोग करने के लिए भी कहा है। बता दें पिछले दिनों चर्चा थी कि अमेज़न के CEO का डाटा हैक हो गया है और उनके व्हाट्सएप मैसेजेस भी लीक हो गए थे जिसकी वजह से उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। भारतीय मूल के अरविंद कृष्णा को IBM का नया CEO बनाया जाएगा। अरविंद
वर्जीनिया रोमेटी की जगह लेंगे। पिछले काफी वक्त से सीईओ हैं अरविंद, 6 अप्रैल को नए सीईओ बनाए जाएंगे। फिलहाल अरविंद कृष्णा क्लाउड और क्राउनप्रिंट सॉफ्टवेयर के लिए स्क्रीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने साल 1990 में आईबीएम को ज्वाइन किया था और अब तक वो कई पदों पर काम कर चुके हैं। जैकी श्रॉफ आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैकी के बर्थडे के दिन डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने फैंस को एक सरप्राइज दिया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की है। इस फोटो में जैकी और रोहित शेट्टी नजर आ रहे हैं। फोटो के साथ ही रोहित शेट्टी ने यह भी ऐलान किया है कि उनके कॉप यूनिवर्स में एक और नया नाम जुड़ गया है। जैकी अपने बेटे टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 3 में भी नजर आने वाले हैं। फिल्म के डायरेक्टर ने इसकी जानकारी और अनाउंसमेंट कर दिया। ये पहली बार होगा जब टाइगर श्रॉफ जैकी श्रॉफ संग स्क्रीन शेयर करते हुए दिखाई देंगे। पिछले काफी समय से तापसी पन्नू की आने वाली फिल्म थप्पड़ चर्चा में है। फाइनली इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म में तापसी के अलावा पवेल गुलाटी, रत्ना पाठक शाह, तानवी आजमी, दिया मिर्जा, मानव कौल और कुमुद मिश्रा मुख्य भूमिकाओं में है। ये फिल्म 28 फरवरी को रिलीज हो रही है।